नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं आपके साथ श्रुतिका थपलियाल। वक्त तो चला इस वक्त कुछ बड़ी खबरों की तरह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के दिन गोरखपुर में जनता दरबार लगाया और फरियादों की फरियाद सुनी। रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में सीएम योगी का जनता दरबार लगा। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। बहुत से लोग जमीन के विवाद का मामला लेकर योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे थे। इसके अलावा बहुत से लोग इलाज के लिए धन देने की सिफारिश कर रहे थे। सीएम योगी ने जनता दरबार के दौरान तकरीबन 100 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में बड़ी संख्या में जमीन जायदाद और इलाज के मामले सामने आए। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को जमीन की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए। साथ ही इलाज के लिए धन की मांग लेकर आए लोगों पर विशेष ध्यान भी देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आगे बढ़कर वह यह सुनिश्चित करें कि किसी भी व्यक्ति का इलाज धन के अभाव से ना रुके। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में इस बार तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने 10,000 से अधिक यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। केदारनाथ धाम में यात्रियों को बाहर न रहना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन यात्रियों के ठहरने की सभी सुविधाओं को लेकर योजना बना रहा है। बता दें कि देश विदेश के यात्रियों की अधिक संख्या में केदारनाथ धाम आने की संभावना है। इसको देखते हुए यात्रियों के रुकने की बेहतर से बेहतर व्यवस्था की जा रही है। केदारनाथ में गढ़वाल मंडल विकास निगम अपने गेस्ट हाउस के अलावा टेंट कॉलोनी, हट्स और अस्थाई टेंट लगाकर यात्रियों को रुकने की सुविधा देगा। इसके अलावा कई प्राइवेट होटल और लॉज में भी यात्रियों के रुकने की व्यवस्था की जाएगी। जानकारी के मुताबिक सरकारी व्यवस्था से करीब 5,000 और प्राइवेट व्यवस्था से भी लगभग 5,000 यात्रियों के केदारनाथ में आसानी से रुकने की व्यवस्था की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की मुख्य मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। दरअसल राहुल गांधी ने बीते दिन बयान दिया था कि यूपी चुनाव के दौरान वे बसपा के साथ गठबंधन चाहते थे, लेकिन पूर्व सीएम ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा था कि यूपी की बसपा सुप्रीमो मायावती सीबीआई ईडी और पोगासिस से डर कर दलितों की आवाज़ के लिए नहीं लड़ रही और भाजपा को खुला रास्ता दे दिया, जिस पर अब बसपा सुप्रीमो ने पलटवार किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मीडिया के माध्यम से मुझे ये मालूम हुआ है कि कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे इस पार्टी के विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है। जबकि इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी पूरे जी जान से लगी है और जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे अरसे के रहे शासनकाल में इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जमीनी हकीकत में कुछ भी ठोस कदम। स्वास्थ्य सचिव। यूपी में कोरोना की तीसरी लहर के कारण प्रत्येक रविवार को लगने वाले मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला को बंद कर दिया गया था। अब कोरोना के कम हुए प्रभाव के कारण फिर से इसकी शुरुआत की जा रही है। जन आरोग्य मेला की शुरुआत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उन्होंने जन आरोग्य मेला का उद्घाटन कर मेले का मुआयना भी किया। आज से छुट्टी के दिन भी मरीजों को इलाज मिल सकेगा। प्रदेश के 3,000 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर मौजूद रहेंगे। इसी के चलते लखनऊ की 80 से
अधिक पीएचसी पर भी छुट्टी के दिन मरीजों का इलाज किया जाएगा। लखनऊ सीएमओ की माने तो आरोग्य मेले की टीमों की तैनाती कर दी गई है। बता दें कि मेला सुबह 9 बजे से शुरू होगा। इस मेले में एलोपैथ के अलावा आयुष के भी डॉक्टर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी रहेंगे। सभी डॉक्टर मरीज को मुफ्त उपचार मुहैया कराएंगे। अस्पताल में फ्री पैथोलॉजी जांच की जाएगी। मरीजों को ब्लड शुगर, कोरोना जांच, डेंगू मलेरिया जांच की भी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा बीपी मॉनिटरिंग, आई टेस्ट और चश्मा वितरण भी किया जाएगा। जन आरोग्य मेले के उद्घाटन के दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। स्वास्थ्य सचिव श्री रविंद्र कुमार जी, हमारे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, लाभार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, 2020 में जनवरी माह से हम लोगों ने पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रारंभ किया था। और जब ये योजना प्रारंभ की थी, इसके पीछे का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो सके। यद्यपि उससे पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से, उनकी अनुकंपा से पूरे देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना लागू हो चुकी थी, और आयुष्मान भारत योजना में गोल्डन कार्ड बनाने और हर जरूरतमंद व्यक्ति को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी प्रारंभ हो चुकी थी। फिर भी छोटे भी लोगों के लिए, अन्य जरूरतमंदों के लिए, या जिन लोगों ने अपनी व्यस्तता के कारण कार्ड नहीं बना पाया है, उन लोगों को गांव के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी चिकित्सा विशेषज्ञों के द्वारा बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके, यह एक कार्य प्रारंभ हुआ। पहले 5-6 महीने बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़े। उसके बाद लॉकडाउन प्रारंभ होने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था, क्योंकि तब तक कोरोना महामारी ने पूरे देश में अपनी दस्तक दे दी थी। और उसके बाद हमें आरोग्य मेलों के कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। हम लोगों ने 2021 में भी, जब कोरोना का सेकेंड वेव के पहले, कुछ मेले आयोजित किए थे। फिर सेकेंड वेव आने के कारण हम लोगों को कुछ दिनों के लिए फिर स्थगित करना पड़ा था। और आज मुझे प्रसन्नता है, आज चैत्र नवरात्रि का 9वीं तिथि है। जगत चंडी माँ भगवती के 9 दिनों तक अनुष्ठान करने के उपरांत आज हम सब 9वीं के व्रत के साथ, अनुष्ठान के साथ तो जुड़े ही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव का भी कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ लोग आयोजित कर रहे हैं, और इस अवसर पर इस आरोग्य मेला के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यूपी में कोविड संक्रमण काल में निजी स्कूलों की रोकी गई फीस बढ़ोतरी शासन ने बहाल कर दी है। अब प्रदेश में संचालित सभी शिक्षा बोर्डों से जुड़े निजी स्कूल 2022-23 की नियमानुसार फीस बढ़ा सकते हैं। हालांकि उन्हें इसमें संतुलित वृद्धि ही करनी होगी। इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। 2022-23 में वार्षिक वृद्धि की गणना नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तो की जाएगी, लेकिन उसके साथ 5% की जो शुल्क बढ़ोतरी होनी है, वर्ष 2019-20 में लिए गए वार्षिक शुल्क के 5% से अधिक नहीं होगी। बता दें कि मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
खास खबर में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।